क्या आईफोन 13 एक ऑल डे बैटरी बैकअप दे सकता है? ये मैंने फोन अभी परचेस किया है कुछ दिन पहले, तो इसकी बैटरी हेल्थ 100% है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैंने दो टाइप्स में इसको यूज किया है। पहला है मेरा पर्सनल यूसेज, यानी कि जितना भी फोन मैं खुद यूज करता हूँ उस सिचुएशन में मैंने इसको टेस्ट किया है, और दूसरा है मैक्स्ड आउट सेटिंग, मतलब पूरा एक दिन मैंने इस फोन को मैक्सिमम यूज करने में बिता दिया, यानी कि मैक्सिमम ब्राइटनेस ऑन सेल्यूलर डेटा। मेरा पूरे दिन का यही मोटो था कि इस फोन को मैं कितने जल्दी ट्रेन कर सकता हूँ, सो एवरीथिंग टू द मैक्स्ड आउट लिमिट। और खुद को मैं एक पावर यूजर कंसिडर करता हूँ, तो मैं कुछ ज्यादा गेमिंग नहीं करता हूँ, बट everything that I do, including video editing, high GPS use, high network use, high content browsing, जितनी भी सारी social चीज़ है और जितनी भी सारी high intensive applications है, वो सारी मैं use करता हूँ, except gaming. Last year जब iPhone 13 launch हुआ था, तब already इसका battery backup बहुत अच्छा था, but अभी after the iOS 16 update, अभी की जो latest update है, यानी कि iOS 16.0.2, इसके ऊपर मैंने इसको update कर रखा है, तो अभी आपको इसका battery percentage भी दिखता है, और इसका जो overall optimization है, वो भी ज़्यादा improved है, as compared to last year. And sorry, बाहर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए ऑडियो में थोड़ा इंटरप्शन आ सकता है। तो पहले बात करते हैं अबाउट द मैक्स आउट सेटिंग्स। तो जब मैंने मेरे फोन को फुल ब्राइटनेस पे रखा, इंक्लूडिंग सेलुलर डेटा ऑन, नो वाईफाई, एंड इन शॉर्ट जब मैंने मेरे फोन को कंप्लीटली हाई यूसेज पे यूज किया, ऑन एन एवरेज जितना भी मेरे फोन को मैं डेली यूज करता हूँ, उस दिन इससे लिटरली डबल मैंने यूज किया, तो ऑन फुल ब्राइटनेस, ओनली इंक्लूडिंग सेलुलर डेटा, नो वाईफाई, एंड जितना भी सारा जीपीएस का यूज था वो भी मैंने मैक्स आउट कर दिया। और अभी मैं आपको ये कहकर बोर नहीं करूंगा कि मैंने मेरे फोन को कैसे यूज किया, तो जितनी भी सारी छोटी चीजें थी वो तो मैंने की, बट उसके अलावा अगर मुझे किस जगह पे जाना था और मुझे उसका डायरेक्शन ऑलरेडी पता है, बट फिर भी मैंने जीपीएस नेविगेशन को चालू कर दिया, और अगर एक भी मिनट का मुझे डिले मिल रहा है, वरना 5 मिनट का ब्रेक मिल रहा है, तो उस टाइम पे मैंने टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग को चालू कर दिया। सो इन शॉर्ट जितना भी मैं उस फोन से ले सकता था उतनी मैंने उसकी बैटरी ड्रेन कर दी, तो मैंने एक भी मिनट को इसको छोड़ा नहीं है। तो अगर आप एक बहुत ही हैवी यूजर हो कि आप एक भी मिनट अपने फोन से दूर नहीं रहते, देन ऐसे कंडीशन में जो आपको इसका लॉन्गेस्ट बैटरी बैकअप मिलेगा, यानी कि स्क्रीन ऑन टाइम, वो होगा तकरीबन 7 आवर्स टू 7 आवर्स 30 मिनट, और ये कंप्लीटली ट्रायल एंड टेस्टेड है। तो अगर आप एक भी मिनट नहीं छोड़ते और आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, आप थोड़ा गेम प्ले भी कर लेते हो, आप कंप्लीट हाई जीपीएस यूज रखते हो, और ये सारी चीजें सेलुलर डेटा पे और वो भी हाई ब्राइटनेस के साथ, तो अगर आप एक बहुत ही मैक्स आउट यूजर हो तो भी आपको 7.5 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। बट अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, यानी कि आप थोड़ा इंटरवल रखते हो, पर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अपने फोन को इतना यूज करता है, बट इन द वर्स्ट केस सिचुएशन अगर आप अपने फोन को छोड़ते ही नहीं हो, आप कंटिन्यूस फोन ही यूज करते रहते हो, देन ऐसे कंडीशन में आपको 7.5 घंटे का तो मिलेगा ही। बट अगर आप नॉर्मल यूसेज देखते हो, यानी कि जो मेरा पर्सनल यूसेज है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स टू 5 आवर्स, देन ऐसे कंडीशन में आपको ये फोन 1.5 दिन तक टिक सकता है, इवन ऑन द लेटेस्ट iOS अपडेट, यानी कि iOS 16.0.1, इसके ऊपर भी आपको 1.5 दिन का बैटरी बैकअप मिल रहा है। बट जो मेरा पर्सनल यूज होता है उसमें मैं लो पावर मोड को हमेशा चालू रखता हूँ, तो भले मेरा फोन 95% पे हो वरना 100% पे, मैं लो पावर मोड को हमेशा चालू रखता हूँ, और जब भी मेरे फोन को मैं चार्जिंग को लगाता हूँ, आई ऑलवेज मेक श्योर कि जब बैटरी 20% से नीचे आती है तब मैं चार्जिंग को लगाता हूँ, और जब बैटरी 95% से आगे चार्ज होती है तब मैं चार्जिंग से निकाल लेता हूँ। और अगर आप एक नया आईफोन लेने वाले हो, तो उसमें आपको आपके पुराने फोन का डेटा डालना होगा, तो अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है देन आपको पूरा डेटा ट्रांसफर करना होगा, क्योंकि अगर आपको एंड्रॉइड से एंड्रॉइड ट्रांसफर करना है और आईफोन टू आईफोन ट्रांसफर करना है, देन इसके लिए ऑफिशियल मेथड है, तो यहाँ पर काम आता है मोबाइल ट्रांस सॉफ्टवेयर। तो जितना भी आपका फोन का डेटा है, जितने भी व्हाट्सएप का बैकअप है और जितने भी सारे मैसेजेस है, वो सारे आपके एंड्रॉइड फोन से आपके नए आईफोन में ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम एंड्रॉइड टू आईफोन स्विच करते हैं उस टाइम पे बहुत सारा डेटा हमारा लॉस्ट हो जाता है। और अभी आईफोन 14 सीरीज के रिलीज के बाद जो मोबाइल ट्रांस का एंटायर स्टोर है उसके ऊपर 50% ऑफ है, और सिर्फ यही नहीं, वो आईफोन 14 का गिव अवे भी करने वाले हैं, और ये सॉफ्टवेयर दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है, फॉर विंडोज ऑल्सो एंड फॉर मैक ओएस ऑल्सो, और इस सॉफ्टवेयर को यूज करना भी इजी है। आपको पहले इसको इंस्टॉल करना है, तो जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है वहां पे आपको जाना है, आपको ओएस के लिए इसको इंस्टॉल करना है, और जितने भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है आपको उनको फॉलो करना है। और हाँ, पहले ही आपको दोनों फोन्स को कनेक्ट करके रखना है, तो जो आपका नया आईफोन है और जो आपका एंड्रॉइड फोन है उनको दोनों को आपको वायर के थ्रू कनेक्ट करना है, और इसके बाद आपको कुछ और दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करना है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। और ये जो सॉफ्टवेयर है यानी कि मोबाइल ट्रांस, ये एक वंडर शेयर का प्रोडक्ट है, सो इन शॉर्ट इट इज 100% सेफ एंड इट इज 100% सिक्योर। तो मैंने मोबाइल ट्रांस की पहली लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो अभी इसके ऊपर 50% ऑफ चालू है और आईफोन 14 का गिव अवे भी चालू है, सो डेफिनेटली चेक इट आउट। मेरा डेली यूसेज सुबह 7 से चालू होता है रात के 10:30 बजे तक, तो जितना भी मेरे फोन को मैं खुद यूज करता हूँ उतने लिए आईफोन 13 मोर देन इनफ है। और लिटरली अगर मैं इस फोन को बिल्कुल भी चार्ज नहीं करता हूँ और अगली सुबह उठता हूँ, देन फिर भी मुझे आधा दिन का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाता है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मुझे ऑलरेडी 5 दिन हो चुके हैं कि मैं इस फोन को डेली यूज कर रहा हूँ, बट पहले मुझे यही क्वेश्चन था कि जब आईफोन 13 लॉन्च हुआ था तब तो इसकी बैटरी बैकअप बहुत अच्छी थी, बट अभी जब एप्पल ने नए आईफोन्स को लॉन्च कर दिया है तो अभी इसका बैटरी बैकअप कैसा है। तो आप में से बहुत लोगों की तरह मुझे भी ऐसा ही लगा कि नया आईफोन
आईफोन्स के लॉन्च के बाद क्या एप्पल ने आईफोन 13 को स्लो डाउन कर दिया है और जो इसका बैटरी बैकअप है क्या ये अभी भी वैसा ही है? तो हाँ, अभी भी आईफोन 13 का बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है एंड इट इज अ ऑल डे बैटरी बैकअप आईफोन, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको अभी एक आईफोन 13 लेना है देन इट विल डेफिनेटली आउट परफॉर्म योर एक्सपेक्टेशंस, और अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो देन आपको 2 दिन तक का बैटरी बैकअप मिल सकता है। तो बस इतना था आज के वीडियो के लिए, और ऐसे ही आने वाले वीडियोस के लिए डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।